हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सुकमा स्टडी पॉइंट। तो आज शाम के इस वक्त काफ़ी फ्री वक्त है और मैं बैठा हूं यहां पर। आप देख रहे होंगे, जैसे आपने वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा, जो परीक्षा है आपकी आगामी सन 2024, ये हाई स्कूल का मेरे पास अनसोल्ड है विज्ञान विषय का, जिसमें हम यहाँ पर समस्त जितने भी न्यूमेरिकल हैं इस सेट के वो आज करने वाले हैं। लगभग जितने भी सेट हो पाएंगे मैं पूरे निकालने की कोशिश करूँगा, देखते हैं कितने सेट यहाँ पर निकलते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, ये है पहला सेट। अगर आप इसको कर लेते हैं राहुल के अनसोल्ड, आप केवल 10 भी निकाल कर अगर चले गए तो आपके लिए बहुत प्रभावी होंगे। आप 90 प्लस स्कोर बहुत इजीली कर पाएंगे, आप 90 प्लस स्कोर जो है बहुत इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिएगा, मैं आपको इसका पहला क्वेश्चन दिखा दूंगा। आप भी अपना जो भी जिस जिले से हैं आप उत्तर प्रदेश में, वो इस सेट को देख सकते हैं। इसका पहला सेट है, आप देख सकते हैं पूर्ण रूप से जो इसकी स्थिति वाले क्वेश्चन है। वैसे मैंने ऑफलाइन बैच में सारा सब कुछ आपको कराया हुआ है, तो हम इसका पहला वाला ये देखें, न्यूमेरिकल दूसरा है, इसका न्यूमेरिकल नंबर दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे। अपना अपना अनसोड लेकर बैठ जाइएगा, सारे मैं आपको निकलवाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं पूर्ण रूप से इसको यहाँ पर रख देता हूँ, अब मैं पढ़ता रहूंगा, आप अपना अनसोल्ड अपने पास रखिएगा और मैं आपको यहाँ से पढ़कर बताता रहूंगा जो भी होगा, ठीक है। थैंक यू। आप अपने सभी दोस्तों में इसको पूर्ण रूप से शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि पूर्ण रूप से ज़्यादा वीडियो बच्चे एग्जाम समय पर देख सकें। और आप अगर ये भी करके चले गए तो आपके लिए काफ़ी एनफ हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले दे रखा कि 5 सेमी लंबाई की कोई वस्तु है, तो 5 सेमी लंबाई की कोई वस्तु है यानी वस्तु की लंबाई दे रखी है, तो वस्तु की लंबाई को मैं H1 मान लेता हूँ, ये हो जाएगी कितनी, 5 सेमी। और 30 सेमी की वक्रता त्रिज्या यानी कि त्रिज्या दे रखी है, तो यहाँ पर R बराबर कितना दे रखा है, 30 सेमी। तो हमने R बराबर 30 सेमी के त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेमी की वस्तु से 20 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है, यानी वस्तु की दूरी दे रखी है U बराबर, हम दूरी हमेशा माइनस में लेते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो U बराबर दे रखा है 20 सेमी। तो क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति आपको हमें ज्ञात करनी है। तो पूर्ण रूप से देखिए, सबसे पहले आपको आर दे रखा है, तो यहाँ से आप पूर्ण रूप से क्या निकाल सकते हैं, तो यहाँ से आप फोकस दूरी आप निकाल सकते हैं। तो फोकस दूरी का सूत्र होता है R/2, तो फोकस दूरी यहाँ से कितनी आ जाएगी, 30/2 यानी F बराबर कितना आ जाएगा, 15 सेमी, ठीक है। अब यहाँ से आप पूर्ण रूप से दर्पण का यहाँ पर सूत्र लगा लीजिएगा, दर्पण का जो सूत्र है 1/V + 1/U, यहाँ पर हमें V की वैल्यू फाइंड करनी है, F की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 15, बराबर V की वैल्यू हमारे पास कितनी है, इसके हमें गेट करना है प्लस, और यहाँ पर हमें U की वैल्यू कितनी दे रखी है, -20, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/15 बराबर ये 1/V, ये प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी, तो 1/15 प्लस के कितना हो गया, 1/20। तो पूर्ण रूप से जैसे आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू निकल के आई, वैल्यू इसका हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इसका आ जाएगा 60 यानी 60, यहाँ पर बचेगा 4 बार जाएगा यहाँ से, 15 चौका 60 4, और ये जाएगा 3 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7/ कितना हो जाएगा, 60। तो यहाँ पर इसका हम पूर्ण रूप से व्युत्क्रम करेंगे तो वही ऊपर चला जाएगा, 60 ऊपर और 7 आ जाएगा नीचे। तो पूर्ण रूप से अभी आप इसे यहीं रखिएगा, ठीक है, ये हमारी इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आपके सामने आ जाएगा। अगर इसमें आपको आवर्धन पूछ लेता कि इसमें आप मुझे आवर्धन भी बताइए, तो आप इसमें आवर्धन का सूत्र लगा देते, V/U बराबर यहाँ पर V की वैल्यू हो जाती है -60/7, और U की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 20, तो ये यहाँ 7 के 5 चला जाता, 3 बार टाइम यहाँ से कट हो जाता, ठीक है, माइनस से माइनस हट जाता, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाती 3/7। पहला सवाल आपके अनसोल्ड का पूर्ण रूप से। उसके बाद हमारे दूसरा सवाल दे रखा है यहाँ पर, आप दूसरा सवाल देखें, किसी तीसरा सवाल है आपके सेट का, किसी 4 ओम प्रतिरोध के प्रति सेकंड 100 जूल की ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है। देखिए बहुत ईजी सवाल है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है ये सवाल, कितने ओम दे रखा है हमें, सबसे पहले किसी 4 ओम, तो आर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 4 ओम, तो 4 ओम वैल्यू दे रखी है। उसके बाद हमें वैल्यू दे रखी है कितने जूल, H/100 जूल, तो 100 जूल दे रखा है। उसके बाद हमसे विभवांतर यानी हमें V गेट करना है इसमें, और I क्या दे रखा है, I भी हमें इसमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, अभी हमारे पास पर्याप्त जानकारी इतनी है। उसके बाद समय भी दे रखा हुआ है इसमें, समय आपको देख लेते हैं कितना है,
प्रति सेकंड, यानी समय बराबर कितना दे रखा है, 1 सेकंड। तो पूर्ण रूप से हम सूत्र लगाएंगे इसमें ऊष्मा का, ऊष्मा बराबर आई स्क्वायर आर टी आर टी। तो यहाँ से हम आई की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये पूरी हो जाएगा कि आई स्क्वायर बराबर एच अपॉन, ये आर टी इसके बटे में चला जाएगा यहाँ पर, ये कितना है 100 बटे, आर की वैल्यू कितनी है 4 और टी की वैल्यू कितनी है 1। तो आई स्क्वायर बराबर आप इसको इससे डिडक्ट करेंगे यहाँ पर, तो कितना आएगा 25 स्क्वायर। तो यहाँ पर आई की वैल्यू अगर आप फाइंड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू आई बराबर 5 एम्पियर। फिर इसमें आप ओम का नियम लगा दीजिएगा, तो V बराबर कितना आ जाएगा 5 × 4, तो ये हो गया V बराबर 20, ठीक है, वोल्ट, ये आंसर आ गया। तो देखिए आपका पूर्ण रूप से, ये आपका एक सवाल और बचा है इसमें, मैं एक सवाल और आपको ये करवा देता हूँ, बहुत बेहतरीन सवाल है आपका ये भी, यहाँ पर आप देखेंगे इसको, ठीक है। एक उत्तल दर्पण से 25 सेमी की दूरी पर रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है आपको, ठीक है, चलेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, यहां पर करा देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आप आपके आपके सेट का, देखिए इसमें क्या दे रखा, उत्तल दर्पण से 25 सेमी की दूरी पर, यानी कि दूरी हमेशा हम माइनस में लेके चलते हैं 25 सेमी, अब इसकी आधी का रहा है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 25 का आधा कितना हो जाएगा 12.5 सेमी, ठीक है। फोकस दूरी हमें इसकी ज्ञात करनी है, वस्तु की लंबाई की आधी होती है, और उसके बाद हमसे ज्ञात करा रहा है फोकस दूरी। तो पूर्ण रूप से हम सूत्र लगा लेंगे, 1/f बराबर दर्पण है, तो यहाँ पर दर्पण के सूत्र में क्या आएगा प्लस, तो पूर्ण रूप से हम करेंगे 1/f बराबर, ठीक है, 1/12.5 प्लस कितना है हमारा माइनस के कितना 25, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस 1/12.5 माइनस के 1/25, ठीक है। हमने एक जीरो हमने यहाँ से हटाई, जीरो बढ़ा लिया ऊपर, तो 1/ कितना हो गया हमारा 1/f बराबर 10/25 माइनस के 1/25। तो पूर्ण रूप से हमारा इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 125 एलसीएम आ जाएगा हमारा इसका, ठीक है। ऊपर कितना है हमारा, पूर्ण रूप से आ जाएगा हमारा 10 माइनस कितना आएगा, यहाँ पर हम 5 टाइम पर मल्टीप्लाई करेंगे, 25 × 125, इज इट राइट सर, तो डन, ठीक है, 125। तो उसके बाद यहाँ पर कितना बचेगा, 1/f बराबर 5/ ये माइनस 5 हो जाएगा 125, ये 125 ऊपर चला जाएगा अगर हम f की वैल्यू ऐड करेंगे, यहाँ आएगा 5, जब इसकी वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 × 10 और 5×25, यानी कि 25 सेमी इसका आंसर है, आप अपनी पुस्तक में चेक कर सकते हैं। तो पहला सेट हमारा पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है, पहले सेट में हमें कोई भी समस्या नहीं आई है। तो हम चलिएगा, आप अपना सेट नंबर 2 निकाल लीजिएगा, आज मैं पूर्ण रूप से आपको सेट नंबर 2 का हल पूर्ण रूप से कराऊंगा। तो रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए, बढ़िया होंगे आप आई होप, और आई होप मैं उम्मीद करूंगा कि आपके एग्ज़ाम का समय निकट है और आप बहुत बेहतर रूप से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए सेट नंबर 2 में पहला सवाल है मोटर बाइक का, आप अपने सेट में देखिएगा, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ और आपको कराता हूँ, ठीक है। एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर की त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है, तो यहाँ पर 2 मीटर त्रिज्या दे रखी है, यानी आर बराबर कितना दे रखा है सर, 2 मीटर, आर बराबर 2 मीटर दे रखा है। पीछे से आ रहे बाइक के पीछे से आ रहे वाहन के किसी के जिसकी दूरी वाहन की दूरी बता रहा है, ये कितनी है मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर की है, यानी वाहन की दूरी है वस्तु की दूरी की बता रहा है, तो यू बराबर कितना लेंगे हम, हमेशा माइनस में लेते हैं आप पूर्ण रूप से, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पेन अच्छा भी चल रहा है, वेरी गुड। सो उसके बाद यहाँ पर दे रखा है, गणना कीजिए कि प्रतिबिंब का दर्पण कितनी दूरी पर बनेगा, तो यहाँ पर हमें क्या है, प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पर फाइंड करनी है, तो यहाँ से सवाल को हम गैट करेंगे और इसके साथ सवाल को करना स्टार्ट करेंगे। तो एफ बराबर हम यहाँ से सवाल गैट करेंगे, फोकस दूरी निकालेंगे यहाँ से, 2/2, यहाँ से हमारी कितनी आ जाएगी, 1 मीटर की दूरी आ जाएगी। उसके बाद हम दर्पण का यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, पूर्ण रूप से दर्पण का सूत्र है, तो 1/V प्लस के 1/U, तो फोकस दूरी हमें कितनी दे रखी है 1, और ये हमें निकालना है प्रतिबिंब की दूरी, और प्लस 1/ कितना दे रखा है, माइनस के 4,
तो पूर्ण रूप से ये वैल्यू इधर जाकर कित की प्लस की हो जाएगी, तो 1/v बराबर 1 + k 4 + 1/1। इसकी गुण मल्टीप्लाई इधर करेंगे आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारा 1 + 4/4, तो 1/v बराबर 5 + k कितना हो जाएगा 4। इसकी हम रेसिप्रोकल करेंगे, 4 ऊपर चला जाएगा 5 आ जाएगा नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8 मीटर का आंसर इसका फाइंड हो जाएगा। ये हमारा देखिए पहला सवाल था, बहुत ज़बरदस्त सवाल था। सवाल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 2 आप अपनी पुस्तक में देखिएगा, यहाँ पर निकट दृष्टि दोष के लिए बहुत हल्का सवाल है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है। चलिएगा मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी पर देख सकता है, ठीक है। वी की वैल्यू दे रखी है, किसी प्रतिबिंब को देखने की 100 मीटर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर पूर्ण रूप से देख सकता है, गणना कीजिए कि सही दृष्टि अर्थात अनंत दूरी, यानी कि यू बराबर कितना दे रखा है, अनंत दूरी। यू हमेशा हम माइनस में लेकर चलते हैं, तो फोकस दूरी हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है। बहुत ईजी सवाल है, आप यहां से लेंस का सूत्र लगाइएगा। लेंस का सूत्र होता है 1/f = v - k u, ठीक है। यू हमने अनंत डाल दिया, यू की जगह डायरेक्ट 1, चूँकि इसकी जो वैल्यू होती है अनंत की 0 होती है, तो 1/ कितना f बराबर कितना है हमारा, यहाँ पर v की वैल्यू है 100 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी पूर्ण रूप से 0, तो 0 का तो कोई यहाँ पर वैल्यू बचेगा नहीं। तो यहाँ पर जब हम क्रॉस इसके अप डाउन करेंगे तो v बराबर कितने आ जाएगा, 100। ये हमारा फोकस दूरी फाइंड हो चुकी है। तो देखिए सेट नंबर में और कोई न्यूमेरिकल बचा नहीं है, यहाँ पर ओमकर नियम पूछा है सत्यापन, या आपने पूर्ण रूप से तैयार कर लिया होगा। मानव नेत्र मैं आपको पहले ही क्लास में पूर्ण रूप से पढ़ा चुका हूँ प्रत्यावर्ती धारा जनित, ये इस बार के लिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन होने वाले हैं।